brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. अमेठी को चपरासी को उतार दिया आप लोगों ने, क्यों उनको उतार दिया? बहुत असभ्य बातें हैं। 40 सालों से उन्होंने यहाँ काम किया है, बहुत असभ्य बातें हैं। और अमेठी की जनता सभ्य है, एक सभ्यता है यहाँ, एक परंपरा है यहाँ, और उसका सबको आदर करना चाहिए। अमेठी कह रहे हैं चपरासी को उतार दिया आप लोगों ने, क्यों उनको उतार दिया? बहुत असभ्य बातें हैं। 40 सालों से उन्होंने यहाँ काम किया है, बहुत असभ्य बातें हैं। और अमेठी की जनता सभ्य है, एक सभ्यता है यहाँ, एक परंपरा है यहाँ, और उसका सबको आदर करना। आज एक भयावह सच, कांग्रेस के जो 32 साल के नेता रहे, उन्होंने राष्ट्र के सम्मुख एक घिनौना सत्य राहुल गांधी का प्रस्तुत किया। कांग्रेस पार्टी के ही नेता का यह आरोप है कि राहुल गांधी की यह मंशा है और गांधी परिवार की यह मंशा है कि राम मंदिर के निर्णय को अगर उनको थोड़ी सी भी सत्ता मिली तो उस निर्णय को वो पलट देंगे। सुबह से लेकर अब तक ये विषय चल रहा है, लेकिन एक भी स्पष्टीकरण गांधी परिवार से नहीं आया। ये सत्य है और जग जाहिर है कि गांधी परिवार रामलला के भव्य मंदिर और विशेषता मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के विरोध में है। ये सब जानते हैं कि विशेषता रामलला के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह कराते हुए गांधी परिवार ने अदालत में भी दस्तावेज प्रस्तुत किए। सुबह से लेकर अब तक ये विषय चल रहा है, क्यों गांधी परिवार ने इसका खंडन नहीं किया? नरेंद्र मोदी जी ने बार बार कहा कि संविधान के विरुद्ध जाकर गांधी परिवार विशेष ओबीसी के आरक्षण में भी सेंध लगाना चाहता है, तो बार बार चाहे वो संविधान हो या सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो, हमारी आस्था पर और संवैधानिक हमारे अधिकारों पर क्यों हनन की दृष्टि से गांधी परिवार काम कर रही है, इसका स्पष्टीकरण देना उनके लिए जरूरी है। सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तमाम तरह के जो गठबंधन हुए हैं ऐसा है। मैं विशेष राहुल गांधी का ध्यान आकृष्ट कर रही हूं, जिन्होंने 2019 में राहुल गांधी को धोखा दिया, वो इस बार अमेठी में अपना जलवा दिखाना चाह रहे हैं। तो राहुल गांधी को इस बात की पुष्टि कर लेनी चाहिए कि कांग्रेस पार्टी में वो कौन कौन है जो उनकी पीठ पर छुरा भोंक चुके हैं और इस बार आतुर हैं कि अमेठी में उनको नीचा दिखाया जाए और रायबरेली में उनको हराया जाए। राहुल गांधी को अपनी ही पार्टी से खतरा है, ये जग जाहिर बात है।